इसको देख के डरना मत, दिखाता हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, बिल्डिंग का नज़ारा कुछ अलग है। जी हाँ, मैं शिफ्ट हो चुका हूँ नवी मुंबई में, अभी जा रहा हूँ मैं आइकिया। तो आइकिया में जाना है, देखते हैं क्या है। इतना वर्ल्ड फेमस स्टोर है एंड देखते हैं कुछ खरीदने लायक होगा तो करेंगे। मालकम इज़ विथ मी। ये ऑफिस छोड़ के मैं घूमने आ रहा है आज। मैं आज नहीं चलाने वाला, मेरा पाँव बहुत ज़्यादा सूज गया है। आई एम नॉट गोइंग टू टेक रिस्क नाउ। थोड़ा सा पाँव को आराम दे रहा हूँ मैं आज। मर गया ना, आपको मालूम है किसने मारा? हाँ, इसने मारा है। नहीं नहीं, कि गाड़ी ये चला रहा है। इसको गाड़ी चलानी नहीं आती है, इसको पार्क करने नहीं आती है। क्या कर रहा है ये क्या कर रहा था? ये पार्क करने की कोशिश कर रहा था या बना रहा था? वो पूरा स्पेस छोड़ के तूने पार्क कैसे किया है? ये देखो, अब ये हाथ से कर रहा है। भावेश भैया आए हमारे पास, वेलकम भी है। सिंगल लाइन बोला था, हम डबल जा रहे हैं। यहाँ पे पता है कुछ चीज़ें फॉलो करनी ज़रूरी है। ये देखो, ये QR कोड है। ये QR कोड आपको रजिस्ट्रेशन के समय मिलता है, मतलब आपको स्लॉट बुक करना था IKEA आते समय। कैसे बताता हूँ, एक मिनट रुको, तब तक ये मैं प्रोसेस ख़त्म कर लेता हूँ। एक मिनट। भाई भाई, फाइनली वी आर इन IKEA स्टोर। जी इतना महंगा है, कौन खरीदेगा? क्वालिटी देख, नहीं चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, क्वालिटी चाहिए ही नहीं, प्लास्टिक नहीं है, क्यों बोल रहा हूँ? देखो गाइस, मैं पहले बता देता हूँ, IKEA का प्रमोशन नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, मैं घूमने के लिए आया हूँ। तो ये मैं सोचना कि मैं सस्ता नाम दे रहा हूँ, ये भी सस्ता नाम ले रहा हूँ। दाम नाम नहीं, तो अपन सिर्फ घूमेंगे, ठीक है? और देखेंगे क्या चीज़ है, कैसी चीज़ है। बहुत नाम सुना है इस चीज़ का अपने बारे में। हाँ, तो आप लोग अभी ये सोच रहे होगे ना कि मैंने बताया नहीं कैसे एंट्रेंस करना है। इसका एंट्रेंस देखते हैं आगे कैसा है। बहुत शॉर्ट प्रोसेस है, उसके लिए आपको ना इस URL पर, ये URL लिखा ना कहते, देखो URL है और नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इस URL पर जाके आप लोगों को एक स्लॉट बुक करना पड़ता है। कैसे, रुको बताता हूँ। यहाँ पर आने के पहले सबसे पहले IKEA.in पे आपको जाना पड़ेगा, और IKEA.in पे आपको एक स्लॉट लेना पड़ेगा। मतलब दिन में 4-5 स्लॉट है, मॉर्निंग का है, इवनिंग का है एंड आफ्टरनून का है। इसमें से आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हो, 5 बजे आना है, 4 बजे आना है, कोई सा भी, लेकिन आपको उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ही आना है। जैसे ही आप अप्लाई करोगे अपने नंबर के थ्रू, यू कैन गेट द QR कोड। और आपने पिक्चरों में देखा होगा ना, वो कैसे हॉलीवुड के पिक्चरों में ये कैंटीन्स रहती हैं, मस्त लाइन में आके खाना उठाओ निकलो। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें और ऐड कर दी गई है। यहाँ से अपने को ट्रॉली उठाना है, खाना उठाना है, उसके बाद जाके पे करना है जो जो हमने लिया है। ये है इसका ठेला, ये ट्रे, और कुछ ऐड करना है तो जो स्टैंडीज होती है ना, मतलब बारात में खाना खाते जैसे, वैसे ही कुछ हो। मैं बिल दिखाता हूँ, एक मिनट को, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा। अगर मैं यही चीज़ स्टारबक्स में खाता ना, तो मेरा वर्ड खाली हो जाता। कितना हुआ? नाउ आई एम क्यूरियस। इसको देख के डरना मत, दिखाता रुक। लाते चाहिए क्या?
Do you have hazelnut flavor to add in? So let's see this. देखो कितना बड़ा बिल है. 100 580 रुपये ब्राउन शुगर. थैंक यू. बोले नहीं थे सिर्फ 580 रुपये. 600 रुपये भी ठीक से नहीं हो पता है. मैं मुझे टाइम पास करने के लिए अपने दिलाने वाला. कितना वो 580. वो भी चले. मतलब हम जैसे लोग हरकत से छोड़ेंगे नहीं. जहाँ खाते हैं वही छोड़ देते हैं. यहाँ पे ऐसा नहीं करना है. तो अपना खाना खुद समेटो. खुद समेटो और ट्रे को हम बताते हैं कहाँ रखना है. थोड़ी सी पेट पूजा के बाद हमारा थोड़ी सी पेट पूजा बाइट वाला पेट. हाँ, इसके लिए एक बाइट का था. अब क्या करें. ये भाई साहब का ध्यान भटका और हमने इसका चीज टपका लिया. आई विश वो वीडियो में कैप्चर हुआ था बट नहीं है. मैं थोड़ा सा खाना चोर हूँ तो मैं चुरा लेता हूँ. उसमें बोलने मुझे कोई शर्म नहीं है. यार पूरा ऑलमोस्ट आधा आइकिया घूम लिया हम लोगों ने. खाना भी खाया. जगह तो मस्त है घूमने के लिए और हैंग आउट करने के लिए दोस्तों के साथ. लेकिन मैं आप लोगों को चीज़ दिखाता हूँ. ये सेम चीज़ मैंने ऑर्डर किया. मेरा दिख रहा है ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है. एंड वहाँ पे का जो अमाउंट है यहाँ से ना मतलब 3 गुना ज़्यादा है ये वाला प्राइस. तो अब देखते हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी तभी मैं कुछ बता पाऊँगा. वैसे जब मैं सेटअप करूँगा तो आई ट्राई टू मेक अ व्लॉग फॉर दैट ऑल्सो. बट कुछ खास मत समझना. डेली व्लॉगिंग में सोच रहा हूँ अभी तक कुछ प्लान नहीं है मेरा उसके लिए. अभी थोड़ा सा और सेक्शन बाकी है. मुझे लाइट कुछ लेने हैं. ट्रैश कैन एक दो देखना था मुझे. तो इफ आई बाई लेट्स सी. एंड तब तक भ्रमण घूमते रहो ठीक है. अभी काफ़ी सारे सेक्शन घूम चुके. जो अभी सेक्शन जिसमें है ना वो बहुत ज़्यादा महंगा वाला है. मैं थोड़ा मैं गरीबी वाली हालत में हूँ तो मैं खरीदने वाला हूँ नहीं कुछ. ये खरीदने वाला है. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो अभी के अभी. देख रहे हो भाई भाई तुम्हारा फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं. हर एक कॉन्टेंट तुम तक पहुँचा रहे हैं. बोल सब्सक्राइब करने के लिए. सब्सक्राइब करो भाई है ना. तो यहाँ पे काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ मिली है मुझे जिसको थोड़ा टाइम पास भी करना ना आइकिया में यहाँ पर आके कर सकते हैं. लेकिन जो क्रिएटिव टाइम पास करना है उन लोगों के लिए है. यहाँ पर आके अपना खुद का एक रूम डिज़ाइन कर सकते हो. लिविंग रूम बेडरूम और व्हाटएवर रूम यू लाइक. किचन भी कर सकते हैं. यहाँ का पूरा एक सॉफ्टवेयर है जहाँ का आप डिज़ाइन करोगे एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता है. इधर से उठा के इधर डालो एंड अपने हिसाब से फ्रेम्स देख सकते हैं ठीक है. फुल वेयरहाउस वाली फीलिंग आ रही है एग्जिट में अपने को. अब बहुत ज़्यादा घूम लिया और थक चुके हैं. भाई साहब को ऑफिस पर अटेंड करना है. हम लोग बंक मार के आए थे इसके ऑफिस से. सॉरी बॉस अगर आप देख रहे हो इसके. तो अभी कुछ लिया नहीं फिर भी बिलिंग सेशन से अपने को पास होना पड़ेगा. एंड यहीं पे ब्लॉग क्लोज करते गाइस. पार्ट 1 अच्छा लगा हो तो बोलना. पार्ट 2 में अपन शॉपिंग करेंगे इसमें ठीक है. कुछ ना कुछ खरीद कर जाएंगे ठीक है. ठीक है. दिस इज इट फॉर द डे गाइस. आज का दिन यहीं समाप्त होता है. आइकिया भ्रमण कैसा लगा. बहुत अच्छा स्टोर था. बहुत बड़ा स्टोर था. हम लोग तो सिर्फ 2 ही सेक्शन में घूम गए. बेडरूम के सेक्शन और किचन के सेक्शन में. उसके बाद से तो इतना पाँव दर्द करने लग गया कि वी टुक द वेट एंड ब्रेक के बाद वी जस्ट पुश्ड अप. अभी घर एंड वीडियो एडिट करने के लिए भी डाल रहा हूँ. मे बी कल आपको वीडियो मिल जाएगा. तो इसी के साथ अगले भ्रमण में बहुत जल्दी मिलते हैं. राइट. पीस आउट.